नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सहारा समूह में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपने भी सहारा ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया था और वो फंसा हुआ है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें एक अच्छी खबर मिलने जा रही है। असल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। अमित शाह अटल अक्षय ऊर्जा भवन में इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ये पोर्टल उन निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। इस पोर्टल पर सहारा के निवेशकों को पैसा वापस पाने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। सहारा इंडिया में देश के लाखों लोगों का पैसा पहले से फंसा हुआ है। सहारा की कई कंपनियों में लोगों ने पैसा लगाया था और लोग लंबे समय से अपने इस पैसे के वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो चुका है उन्हें जल्द ही अपना पैसा वापस मिल जाएगा। इसके लिए सरकार सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है। सहारा इंडिया के निवेशकों ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इसके बाद अब पोर्टल के जरिए पैसे लौटाने की बात कही जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों को CRC के जरिए भुगतान किया जाए। सहारा इंडिया बैंक में ग्राहकों की जमा रकम पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था और अब सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलने की आस एक बार दोबारा से जगी है। साल 2012 में सहारा सेबी फंड बनाया गया था और इस फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। सहारा ग्रुप से जुड़ा ये पूरा विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन से जुड़े विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंपनी ने अपना एक IPO लाने की पेशकश की थी। IPO के आते ही सहारा की पोल खुलने लगी। सहारा ने गलत तरीके से निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी जो सेबी के सामने आ गई। सेबी ने सहारा में कई तरह की अनियमितताएं पाई जिनकी जांच जब हुई तो फिर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। सेबी ने सहारा के निवेशकों को उनका पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया, लेकिन बाद में ये मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया और आज भी सहारा के लाखों निवेशक अपने फंड का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सहारा रिफंड पोर्टल की इस लॉन्चिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।